हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। इंडियन नेवी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इंडियन नेवी को डिलीवर कर दी गई है कलवरी क्लास की पांचवी सबमरीन, जिसे INS वगीर के नाम से जाना जाता है। कलवरी क्लास में टोटल 6 सबमरीन को बनाया जा रहा है, जिसमें 5 सबमरीन को इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है, तथा इसकी जो 6ठी सबमरीन है INS वॉगसीर, जिसे 2023 में इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा। अगर इन पाँचों सबमरीन की हम बात करें तो इसमें पहली सबमरीन है INS कलवरी, दूसरी है INS खंदेरी, तीसरी INS करंज, चौथी INS वेला और ये पांचवी थी INS वगीर, जिसे अभी इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है। इस सबमरीन के शामिल होने से इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी, और इस वजह से पाकिस्तान और चाइना को काफ़ी जोर का झटका लगने वाला है। अगर हम कलवरी क्लास की सबमरीन की बात करें तो ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, जो फ्रांस के स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन पे बेस्ड हैं। इन सबमरीन को इंडिया में ही मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो है 23,652 करोड़ रुपए। अगर हम इसमें एक सबमरीन की कॉस्ट की बात करें तो इसमें एक सबमरीन की जो कॉस्ट है वो है 3,942 करोड़ रुपए। ये सबमरीन काफ़ी एडवांस सबमरीन है और वर्ल्ड क्लास के टेक्नोलॉजी और वेपन्स के साथ आती हैं। अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इस सबमरीन का टोटल डिस्प्लेसमेंट 1615 टन का है, और इसको पावर देने के लिए यानी प्रोपल्सर सिस्टम के तौर पे इसमें 4 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे मैक्सिमम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देता है सरफेस पे। वहीं पे समर्स की स्थिति में इस सबमरीन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 37 किलोमीटर पर आवर की। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है, जो 12,000 किलोमीटर की है। वहीं पे इसका एंड्योरेंस 50 डेज का है, यानी 50 दिनों का। ओवरऑल कुल मिला के देखें तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट है, यानी कि ये एक अच्छी सबमरीन है। वहीं पे इस सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए 8 ऑफिसर्स और 35 सेलर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसके वेपन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो इसके प्राइमरी वेपन के तौर पर इसमें 6 533 mm के टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे हुए हैं, जो हैवी टॉर्पीडो को फायर करने में सक्षम है। टॉर्पीडो के अलावा ये सबमरीन एंटी शिप मिसाइल को फायर करने में भी पूरी तरीके से कैपेबल है। एंटी शिप मिसाइल के तौर पे इस सबमरीन के द्वारा एक्जोसेट एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, और ये मिसाइल काफ़ी बेहतरीन मिसाइल मानी जाती है। अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो इस मिसाइल की जो मैक्सिमम रेंज है वो 50 किलोमीटर की है। वहीं पर ये 165 किलोमीटर के वॉरहेड को कैरी करती है, और इस मिसाइल का कुल वजन 780 kg का है। इन वेपन्स के अलावा भी इस सबमरीन को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, यानी इस सबमरीन को स्टील्थ फीचर से लैस किया गया है। अगर ये सबमरीन दुश्मन के टेरिटरी में भी चली जाती है तो दुश्मन इसे आसानी से नहीं पता कर सकता है। इंडियन नेवी जब इन 6 सबमरीन को नेवी में शामिल कर लेगी तो उसके बाद 6 और सबमरीन को इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा, जिन्हें प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाया जाएगा। हम आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट 75I है, इसके तहत टोटल 6 सबमरीन बनाए जाएंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट्स के द्वारा क्लियरेंस भी दे दी गई है। हम आपको बता दें कि चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी को टोटल 30 सबमरीन की जरूरत है, लेकिन इंडियन नेवी की सर्विस में अभी सिर्फ 18 सबमरीन ही एक्टिव हैं, और जल्द ही कुछ सालों में इंडियन नेवी के सिंधु घोष और सिसुमार क्लास की सबमरीन भी रिटायर हो जाएंगी, जिससे कि इंडियन नेवी की सबमरीन की जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। और इधर चाइनीज नेवी के द्वारा लगातार इंडियन ओशियन में अपने नए नए शिप्स और सबमरीन्स को भेजा जाता है। हम आपको बता दें कि चाइनीज नेवी के द्वारा टोटल 70 सबमरीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इंडियन नेवी चाहती है कि उसे काउंटर करने के लिए कम से कम हमारे पास 30 सबमरीन्स तो होने चाहिए। अगर हम पाकिस्तानी नेवी की बात करें तो पाकिस्तानी नेवी में अभी सिर्फ 5 सबमरीन ही एक्टिव हैं, जो कि फ्रांस की अगुस्ता क्लास की सबमरीन है, और ये काफ़ी पुरानी सबमरीन है और पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं। इसीलिए पाकिस्तानी नेवी के सबमरीन से हमें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, लेकिन चाइनीज जो सबमरीन्स की स्ट्रेंथ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और उनका दखल भी इंडियन ओशियन में बढ़ रहा है। इसीलिए इंडियन नेवी को ज़्यादा से ज़्यादा सबमरीन्स एक्वायर करनी चाहिए, ताकि वो चाइनीज नेवी को काउंटर कर सकें। तो आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।